And that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ. And in my Urdu channel, I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. And they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know their who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About actually feeling Christ. Agar Hinduism ek rice bag se kam hai, so then they can keep on saying that. Listen. ऑडियंस को ये भी बता दें और शायद आपको भी ये पहली बार सुनकर के हैरानी होगी कि सिक्स ऑफ द फीमेल मॉडरेटर्स ऑफ ऑल दीज चैनल्स इंक्लूडिंग एडम भाई एंड साहिल भाई दे हैव ऑलरेडी अग्रीड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी ऑन देयर सर्वर बिजी लेट्स गेट बिजी हाँ हमारे पास जितने लोग हैं वी ऑल नो कि एडम सीकर के सर्वर पे वेरिफिकेशन इज वेरी टफ एंड जस्ट जैसे कि आपने बताया पीपल कम एंड एन एडमिन कम्स एंड दे आस्क यू अ लॉट ऑफ टफ क्वेश्चंस और अभी जहां तक मुझे पता है कि एडम साहब ने अपने सर्वर पे भेड़ों को अलग अलग बाड़ों में बांध दिया है हिंदू भेड़ों को अलग बिलीवर्स को अलग यस आई वाज सो शॉक्ड अबाउट दैट इट वाज लाइक इजंट इट काइंड ऑफ लाइक अ सेग्रीगेशन Yes, it is modern day Jim Crow. It was so weird. It is like, you know, हमें servers के members जहाँ दिखते हैं, who is the moderator, who is the owner and all, right? वहाँ पे it was like divided into agnostic, atheist, Hindus and all. I was shocked. ये shock का मामला है, but unfortunately, Sukun ji, मैं आपको बता दूँ, हमें इससे कोई shock नहीं लगा. Because I had predicted this about 2 months ago. क्योंकि एडम साहब जो हैं, वो गरेड़िये हैं यीशु के और उनका ये फर्ज बनता है कि वो जो ना मानने वाले अनबिलीवर्स हैं जिनको कि हिंदूस कहते हैं उनको सेग्रीगेट करें हम ऑडियंस को ये भी बता दें और शायद आपको भी ये पहली बार सुनकर के हैरानी होगी कि सिक्स of the female moderators of all these channels, including Adam Bhai and Sahil Bhai, they have already agreed to convert to Christianity on their server. और ये रोक कल होने वाला है. What? Yeah, कल आपको इनकी live video stream लवना सुर दे देगा, clipping, जहां पे ये female moderators Christianity में convert हो रही हैं. और उसके डूज और डोंट्स तय होने चाहिए लूज कैनन नहीं बर्दाश्त की जा सकती मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर एडम ये वो सुनेगा कहीं तो उसको मालूम होना चाहिए वो तिल मिलाएगा मैंने पिछली बार जब उसके साथ स्ट्रीम की थी तो मैंने उससे कहा था यार तुम्हें पकड़ नहीं आसान नहीं है तुमसे बात ही नहीं हो पाती क्योंकि एडम को पहुंचने का कोई तरीका मेरे पास नहीं है और किसी और के पास भी नहीं को नंबर ही नहीं वो कुछ ऐसे टूल इस्तेमाल करता है जिसमें उसकी लोकेशन ही नहीं पता लगती मगर वो उपलब्ध होता है आड़ में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भांचो साला ओ सॉरी सॉरी सर ये तो गालियां थी माय बैड ये आज नहीं चलाना था सॉरी सॉरी सर ये तो गालियां थी छोड़े यार छोड़े क्रिश्चियन की औलाद भड़वे अच्छा ये भी गालियां सॉरी 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 चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम साहिल यार कितना साहिल देख कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा उसकी आवाज सुन कितना ड्रंक है ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है चूतिए दोनों चूतिया बना रहे जाओ सपोर्ट करो उनको बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूँ ये साहिल और ये एडम जो है ना दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं क्योंकि सारे एक्स मुस्लिमों को इन्होंने सब इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं चूतिया बना ओ माय गॉड सीरियसली मैन अपनी हालत तो देख अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अस्सलामुअलैकुम उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं मीठा मीठा तीखा तीखा थोड़ा खट्टा खट्टा आवाज़े हक जनाब आज बहुत अरसे बाद
दोबारा मूड में और माहौल में है आपका भाई। मजा 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 आने वाला है। ये थी आज की ओपनिंग और इंट्रो हमारी स्ट्रीम का। असल में मौजू तो कुछ स्पेसिफिक होने वाला है, मगर हमने सोचा क्यों ना Q&A से थोड़ा खुलकर गपशप हो जाएगी। आज बहुत अरसे बाद आज फिर मेरा मिजाज भैया गीता भैया रगड़े गए सरातन रगड़ा गया। जनाब एक्स मुस्लिम फिर बच गया, एक्स मुस्लिम फिर बच गया, सरातन रगड़ा गया। आज बड़े अरसे बाद मेरा मिजाज जनाब, सुनिए आपकी स्क्रीन पर। सुन आज मेरा मिजाज, मस्ती में झूम जैसे साज, लूंगी हो भगवा दिखता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लूंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया हकी हो जैसे आवाज, सुनती है दुनिया, सुनती है दुनिया हकी हो जैसे आवाज। हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ तो हुआ है, कुछ हो रहा है, दो चार दिन से लग रहा है ऐसे। जनाब देखें, हम करीबन 2 से 2.5 साल का अरसा हो गया है इस्लामोफोब्स को ये सब पर। मेरी चाय किधर गई है, आज के प्रोग्राम में चाय बड़ी जरूरी। देखें 2 से 2.5 साल का अरसा हमने इनको बताया कि देखो नफरत अपनी जगह, देखो बैर अपनी जगह, देखो द्वेष अपनी जगह, वो भी संसार में रहेगा जी, पक्ष रहेंगे, मगर देखना कहीं उन लोगों पे विश्वास ना कर बैठना कि तेल भी तुम्हारा और पिछवाड़ा भी तुम्हारा, मोरी भी तुम्हारी तीर मेरा इसमें मेरा जी, बिस्तर भी तुम्हारा और कुंडी भी तुम्हारी, तौलिया भी तुम्हारा, ओहो कॉन्डम भी, ये देखिए ये गलती है, बाकी सब बर्दाश्त हो जाता है। सब बर्दाश्त हो जाता है, ये बर्दाश्त नहीं होने का कि चौंक के अंदर मंजी भी ठुकवाई और जनाब पैसे भी जेब से दिए, ये क्या है इस किस्म की जलालत, चश्मे फलक ने नहीं देखी थी इस किस्म की ठुकाई, तो जनाब हमने कहीं नहीं देखी ये ठुकाई और ये धुलाई और ये पहलाई, जिस कौम के नसीब में आई वो है जनाब आपका सनातनी भाई, ये उसके नसीब में आई है। अब चलते चलिए, आज का जो पहला सेगमेंट है हिंदू जाग रहा है, ये मैंने क्यों कहा ये तो आपको आगे जाकर पता चलेगा। अच्छा कुछ लोग पूछ रहे हैं 18+ है, मैंने 18+ के अलावा कभी बात की है मेरे भाई, कितनी बार बताऊं जी। अब क्या यहां कोई मैं जनाब वाल्मीकि रामायण खोलूंगा तो आपको पता चलेगा 18+ हो गया है जी, या शिव पुराण खोलूंगा तो आपको यकीन आएगा कि भैया 18+ होने लगे, समझ जाया करें बस भैया, समझ देखें जैसे ही आबादे हक लाई वो समझ जाया करें कि अब बच्चों को सुलाने का समय है और बत्तियां बुझाने का समय है,
हेडफोन्स लगाने का समय है, सुबह ऑफिस से छुट्टी करने का समय है, रजाई लेने का समय है। सोच खुद ही फैसला खुद ही करें। देखें हर बार तो नहीं ना मैंने अब बताना, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखें हो गया, ये चंद मिनट हो गया इसी में। तो इसलिए समझदार के लिए इशारा काफी है। नोटिफिकेशन आया नहीं कि आप तैयारी पकड़ लें। और आजकल तो वैसे भी ठंड बढ़ रही है, तापमान घट रहा है, अरमान बढ़ रहा है। देखे अब कमाल हो गया यार, तापमान घट रहा है, अरमान बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करने के लिए जरा थोड़ा सा मिक्स करके ना जरा माहौल बना के तेल ला के सर तेल ला के फ्राई करांगे ना जी। आगे, हिंदू कैसे जाग रहा है ये तो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, ठीक है, वो तो आपको थोड़ी देर में भी पता चल जाएगा। मगर उससे पहले एक चीज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज हमारे चैनल के ऊपर आवाज़े हक की हिस्ट्री में पहली बार हम एक पास्टर को इनवाइट करने जा रहे हैं। जी ठीक सुना आपने, जी कानों में उंगली फेर रहे हैं, टेंशन ना लें, यही कहा है। आज हम आवाज़े हक के ऊपर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एक पास्टर को इनवाइट करने जा रहे हैं एक लेक्चर के लिए। जनाब, और वो पास्टर कोई और नहीं, यस्सु की कुत्ती का इनवाइटेड फेवरेट पास्टर था। लो जी, उस पास्टर को आज हम इनवाइट कर रहे हैं और आज लाइव लेक्चर हम पास्टर साहब से लेने लगे हैं। लाइव लेक्चर, कॉपी पेंसिल रख लें, मोबाइल में नोट्स की ऐप जो है उसको ओपन कर लें और तैयारी पकड़ लें, क्योंकि जो बात आज पास्टर साहब आपसे करेंगे ये नॉलेज आपने इससे पहले कहीं लिया नहीं होगा। अब यहां थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त दौरे पर हैं, मेरा तो वीजा नहीं लगा तो मैं अनफॉर्चुनेटली उनसे मिल नहीं सका। मैंने कई बार जिक्र किया है कि मैंने वीजा अप्लाई किया था, मगर वो लेटर जो मेरे घर पर वापस आया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि जान का घनो खतरा .. बस इतना लिखा था। उसके बाद फिर मैंने पलट कर उसको वेरीफाई नहीं किया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जब वो दौरा कर हम उनको खैरवाफियत से अलविदा करेंगे, उस पर मैं फिर उस वक्त बात करूंगा जो इश्यूज इस ट्रिप या टूर के अंदर जो डिस्कस होते रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो तो अभी बात करने की नहीं है। मगर उस ट्रिप में कई वो कीड़े मकौड़े निकल कर सामने आए हैं जिनकी दाल रोटी अपने बलबूते पर नहीं चल रही थी। उन्होंने सोचा एक बड़ा नाम है, चलो डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करते हैं। इसी चैलेंज चूलेंज के चक्कर में उन्होंने कहा चलो ऐसे लोगों के पास भी चलते हैं जिन्हें कुछ इस्लामोफोब्स 5-6 सुनते हैं। चलो इस्लाम की नफरत में ही सही, ऐसे लोगों के पास बात तो पहुंचेगी, चलो नाम तो होगा। मगर वो ये भूल गए थे कि इस्लाम की मुखालफत में जब सर निकालना है तो फिर उस सर को जरा तगड़ा रखना, कि शायद वो सर हमारे दलाइल के वार बर्दाश्त न कर पाए। ये हमने पहले कहा था, और फिर ऊपर से ऐसा सर निकालें जो गंजा हो। गंजे सर को तो वैसे ही मैं बड़ा तबला बजाता हूं उस पर। तो जब इस्लाम के खिलाफ भौंकने का मन चाहे
तो जरा सोच समझ के सर निकालना है इस वक्त, ये ना हो कि बाल तो पहले ही नहीं है और ओले भी मोटे पड़ना शुरू हो जाए। ये याद रखना, सोच समझ के। तो हुआ क्या, हुआ ये, यस्सू की कुत्ती के चैनल पर एक पास्टर साहब को इनवाइट किया गया, रौला पड़ गया कि जनाब पास्टर साहब आए हैं, ईसाइत की तारीख में इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी पॉलस के बाद अगर कोई पास्टर आया है तो वो ये आया है। लो जी, पॉलस के बाद अगर कोई सेंट आया है तो वो ये आ गया है। अच्छा, जरा चेहरा तो दिखाओ, जरा बात तो सुनाओ, जरा गुफ्तगू तो करवाओ, जरा सामने तो लाओ। और जब सामने आए तो देखने पर पता चला कि जनाब ये सनातन के ऊपर हमें लेक्चर देने के लिए पहले से ही टाइम दे चुके हैं। वाह, अब समझ आ रहा है कि इस पास्टर का लेक्चर मैं आपको सुनाने लगा हूं आज, किन से आपकी मुलाकात करवाने लगा हूं। तो सनातनी जरा दिल थाम के, और लुंगी भी थाम के, क्योंकि दिल तो सीने में अटक जाएगा, लुंगी पैरों में गिर जाएगी, फिर क्या। तो जो है वो भी नजर आएगा, जो नहीं है वो भी देख लेंगे, कुछ देखना तो है ना। फिर तो सनातनी लुंगी टाइट कर ले और इस्लामोफोब अंडरवेयर लोहे का पहन ले, क्योंकि आज पास्टर साहब ने जो हमारे चैनल के ऊपर लेक्चर देना है, यस्सू की कुत्ती भी वो लेक्चर आपको नहीं सुना सकती थी जो पास्टर साहब ने दिया है। बात तो ये है ना जी, इन्होंने क्या सुनाना था हम आपको बताते हैं। खैर, पास्टर साहब निकले यस्सू की कुत्ती के चैनल पर, आकर कहने लगे जनाब किसी में दम है तो ट्रिनिटी के ऊपर आकर हमसे डिबेट कर ले। वेरी गुड, ये पहले कह सकते थे आप सोशल मीडिया के टाइम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हम लोग मौजूद हैं। क्या हो गया है, किधर घूम रहे हैं? तो तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी के नाम से एक चूरन बेचा गया, किसको, सनातनी को, जो ना तीन में ना एक में, यानी तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी का प्रोग्राम वो लोग लाइक और पसंद कर रहे हैं जो ना तीन में मानते हैं ना एक में मानते हैं। उनका ना तीन में ना एक में, वो लोग कह रहे वाह 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 पास्टर साहब की जय हो, क्या बात कर दी है? और पास्टर साहब लेक्चर देकर चलते बने। अब ट्रिनिटी के ऊपर जो बकबकैया किया गया है, एक मिनट के अंदर उसको आपके सामने मैं चलाने लगा हूं। उसके बाद पास्टर साहब आ रहे हैं ना, मैं व्हाट्सएप चैट, हाँ ठीक है, पास्टर साहब जो है उनका लेक्चर आज हम आपको सुनाएंगे कि आज वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जरा सनातनियों दिल थाम के, जरा है दिल थाम के, आज आपको मैं गैरत का कैप्सूल देने लगा हूं, हौसले के साथ, आपके घोंसले के अंदर मैं गैरत का कैप्सूल ठोंसने लगा हूं, हौसले के साथ अपने घोंसले के अंदर इस गैरत के कैप्सूल को लेना है, दाएं बाएं नहीं। तो जरा सुने जी, पहले हम ट्रिनिटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इनका लेक्चर सुनाते हैं, ताकि ये कटा भी हम स्टार्ट के अंदर निकाल दें। ये मैं आपको क्लिप सुनाने लगा हूं जी, ये क्लिप सुने और उसके बाद मैं इस पर तबसरा करता हूं, या साथ साथ जहां मुझे जरूरत पड़ी मैं इस पर तबसरा करूंगा। गिनती का एक मिनट के अंदर ये क्लिप खत्म हो जाएगा और उसके बाद पास्टर साहब का लेक्चर शुरू हो रहा है, जल्दी से शेयर कर दे, पास्टर साहब का लेक्चर बहुत हैवी होने वाला है, ठीक है ना। सुने जरा कि यार मैं क्यों पूछता हूँ सब लोगों से कि भाई जान ट्रिनिटी कहते किसे हैं, मैं इस वजह से मुसलमानों से पूछता हूँ कि ट्रिनिटी कहते किसे हैं, क्योंकि हमारे पास 99.99% जो मुसलमान आते हैं उनको ट्रिनिटी की ABCD का नहीं पता होता। लो मेरा चैलेंज है, फिर कहता है जी ट्रिनिटी कोई बता नहीं सकता मुसलमानों में 99.99% कि ट्रिनिटी कहते किसे हैं। लो फिर मेरा चैलेंज ले ले,
क्रिस्टन्स को भी 99.999% पता ही नहीं है कि ट्रिनिटी है क्या। अगर तेरे में दम है तो मैदान में निकल पूछता हूं ट्रिनिटी कहते किसे हैं, मुझे समझा के दिखा दे। आगे एक और बात रखता हूं, तो क्रिश्चियन को भी नहीं पता कि ट्रिनिटी किसे कहते हैं। अगर शक है तो मैदान में बैठ जाते हैं। तो मुसलमान से ये गवाल है, बहुत अच्छा है, मुसलमान से पूछ रहा है कि मुसलमानों को ट्रिनिटी का नहीं पता। ये जो सात पास्टर साहब बैठे हैं ये अभी आएंगे, इनके पास बड़ा नॉलेज है, ये आएंगे। और इनकी गलती ये है कि ये तेरे साथ आ गए हैं और फेस के साथ आ गए हैं, शायद तूने इनको बताया नहीं था कि तू कर क्या रहा है। तो हम तो डूबे हैं सनम, सात पास्टर साहब को भी लेके डूबेंगे। तेरा तो आगे पीछे है कोई नहीं, झूठ बोल के धंधा चला रहा है। तुझे पहले भी चैलेंज किया था कि अगर तू मुसलमान है, एक कबर अपने खानदान की, एक कबर वेरीफाइड मुसलमान के कब्रिस्तान के अंदर दिखा दे, एक कबर, एक कबर अपने खानदान की वेरीफाइड किसी मुसलमान के कब्रिस्तान के अंदर दिखा। मैं मान जाऊंगा कि तू किसी मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखता था, तू टिपिकल क्रिश्चियन मिशनरी है, टिपिकल पैदाइशी। साथ उस पास्टर का भी बेड़ा गर्क करवाएगा, शर्म नहीं आती तुझे? अब आगे सुन ले आगे की बात। तो ये तो हो गया ट्रिनिटी के ऊपर कि मैं क्यों मुसलमान आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं ट्रिनिटी क्या है, क्योंकि 99.99% जो है मुसलमानों को नहीं पता ट्रिनिटी क्या है। तो क्रिश्चियंस को भी 99.99% कद्दू नहीं पता, खीरा नहीं पता, मूली नहीं पता, बताऊ नहीं पता कि ट्रिनिटी है क्या और उसके पीछे रीजन क्या है, आगे बताने लगा। वो ट्रिनिटी पे डिबेट करने आते हैं लेकिन उन्हें ट्रिनिटी की एबीसीडी का नहीं पता। प्रॉब्लम यही होता है कि जो हमारी डिबेट और डिस्कशन होती है ना, वो तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी की तरफ जाने के बजाय ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने में चली जाती है। हमारी डिबेट तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी की बजाय ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने की तरफ जाती है। यही सबसे बड़ा सच है कि तुम लोग आज तक ट्रिनिटी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। एक और चीज बताता हूं, पहले आगे चलते हैं। डिबेट ये नहीं हो रही होती कि यार तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी क्या है, डिबेट ये हो रही होती है भाई तुझे अंब का नहीं पता ट्रिनिटी क्या है, ट्रिनिटी तो ये है। तो भाई क्या है, क्या है ट्रिनिटी तो ये है, क्या है बोलना, क्या है? वो तेरा पास्टर भी नहीं बोल के गया पूरे प्रोग्राम के अंदर कि ट्रिनिटी है क्या, चैलेंज दिखा दे। ट्रिनिटी के ऊपर पूरा प्रोग्राम किया है, उस पूरे प्रोग्राम के अंदर वो पास्टर ट्रिनिटी को एक्सप्लेन नहीं करके गया। पता क्या कहता है, हम आपको बताते हैं ट्रिनिटी क्या नहीं है। ट्रिनिटी क्या नहीं है, क्यों? क्योंकि जहां से चपेड़े पड़ रही हैं वो ट्रिनिटी नहीं है। तो क्या है, क्या है ट्रिनिटी? ये नहीं है जी ट्रिनिटी। तो क्या है, बोलना क्या है? ये भी नहीं है ट्रिनिटी। ओ भाई है क्या, ये भी नहीं। तो क्या है, किस तरह की है ट्रिनिटी? की क्या दुम निकली होती है, क्या है ट्रिनिटी? आगे चले, ट्रिनिटी पर हमारे साथ थूथकेगा, बहुत मारूंगा कान के ऊपर, यीशु की कुत्ती जो काम है तेरा कर, कोती के बच्चे भौंका कर इस्लाम के ऊपर जिसके पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा ठुमका लगाया ना तो बेटा तेरे ठुमके के ऊपर जूते मारूंगा, ये याद रखी। एक्स्ट्रा ठुमका नहीं लगाना, जिसके पैसे मिले हैं वो लगा। मेरे ये बात मैं हमेशा समझाता आ रहा हूं कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इन गधों को जिस तरह इन गधों को तूने देख लिया है हमारा कुछ, इसीलिए तू हमें गधे कहता है। एक वो तेरे साथ बैठा है, वो कहता है मुसलमान दिमागी अपंग होते हैं, मुझे लगता है उसके गलत सुराख में ठोंक दिया था किसी ने, इसीलिए वो कहता है ओ दिमागी अपंग क्या कर रहे हैं। वाह वाह शाना, वाह शाना। छोटे गधे हैं वो, उनको अंब का पता नहीं है कि ट्रिनिटी कहते किसे। ट्रिनिटी कहते किसे हैं, चिंकी, ये चिंकी तू बता दे किसे कहते हैं, चिंकी हमका नहीं पता, तुझे मेरे छनकने का नहीं पता, छनकने का। और ये प्रॉब्लम कुरान से आया, ठीक है। हाँ जी, अब ये आपने सुना है,
ट्रिनिटी का नहीं पता क्यों, ये सुनना आपने, एक जुमले पे तबसरा मैंने करना है। और ये प्रॉब्लम कुरान से आया, ठीक है? लो जी, मुसलमानों को ट्रिनिटी का इसलिए नहीं पता कि ये प्रॉब्लम कुरान से आया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कुरान को ट्रिनिटी के बारे में नहीं पता था, लिहाजा कुरान ने ट्रिनिटी को गलत एक्सप्लेन किया है, लिहाजा मुसलमानों में वो गलत एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग ट्रिनिटी की आ गई, लिहाजा मुसलमानों को नहीं पता कि ट्रिनिटी किसे कहते हैं, ये इसका क्लेम है। इस उल्लू के पट्टे को मैं चैलेंज करता हूं कि पूरी बाइबल के अंदर से, पूरी बाइबल में, कुरान पे इतराज कर रहा है ना कि कुरान को ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट का नहीं पता, पूरी बाइबल के अंदर से ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बता, अपनी जुबान में नहीं, बाइबल, पूरी बाइबल में से ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके बता। तू यकीन रखता है ना क्रिश्चियनिटी पे? तू यकीन रखता है ना बाइबल के ऊपर? तेरी बाइबल में दम नहीं है कि जो ट्रिनिटी पे कभी बात करती? चलिए तो बड़ी बात कर रहा हूं कि एक्सप्लेन करे, वो पूरी बाइबल के अंदर ट्रिनिटी का वर्ड ही नहीं है। पूरी बाइबल में ट्रिनिटी का वर्ड ही नहीं है। तो तू मुसलमान से गिला करता है, तू कुरान से गिला करता है, जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी का कभी है ही नहीं, जो जाके चौथी यानी फोर्थ, लेट इन द फोर्थ, एंड ऑफ द फोर्थ सेंचुरी कंस्ट्रक्ट होता है कंप्लीटली, एक डॉक्ट्राइन सामने आती है ट्रिनिटी की, और वो भी इतनी बेहुदा शक्ल के अंदर कि अगली 6 सदियों के अंदर उस पर बहस चलती रही कि आया आपने सिंगल एंटिटी या सिंगल पर्सन या सिंगल अकनोम के बारे में ओरिजिनल अकीदा रखना क्या है। तू आके यसु की वफात के 4 सदियों बाद, 4 सेंचुरीज बाद एक अकीदा पॉप अप होता है, एंड वेरी प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 325 के अंदर बहस शुरू होती है। वो तो आ गया एक सेंट एरियस, उसने आके बहस शुरू कर दी। अभी हम इस चीज में नहीं जा रहे, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाह रहा हूं। देखो, तुम कहते हो ये गलती कुरान की तरफ से आई, कुरान ने, कुरान की खूबसूरती देखो कि कुरान ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तो चलो कोई क्रिश्चियन आएगा और वो सूरह मायदा की आयत नंबर 73 या सूरह निसा की आयत नंबर 151 वगैरह रखेंगे तो हम उस पर बात करेंगे, ये तो सामने आने के नहीं, ये तो जब सामने आएंगे तो हम इनको बताएंगे कि कुरान ने जिन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर इतराज किया है वो हिस्टोरिकली कहां फिट बैठते हैं। यही वजह है कि कुरान ने ना बाइबल के बारे में कहा है कि वो ये कहती है, न ये कहा है कि यीशु मसीह ने कहा। कुरान कहता है उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने ये कहा। इसका मतलब ये है कि ये बहस चल रही थी ईसाइयों के अंदर कि इस अकीदे को कैसे लेके उठना है ट्रिनिटी के बारे में। तो ये जो तू इतराज कर रहा है, और पादरी साहब भी फुदक रहे थे, पादरी साहब मैं माजरत चाहता हूं आपका, चूंकि इसके बाद लेक्चर है, बुरा मत मानिएगा, लेक्चर आप अपना टाइम पे दीजिएगा, मगर ये स्टार्ट के अंदर इस चीज को उखाड़ना जरूरी था कि जो लोगों को धोखा दिया जा रहा है कि ट्रिनिटी कुरान ने गलत एक्सप्लेन किया है या मुसलमान ट्रिनिटी के बारे में नहीं जानते, तो इस वहम और इस भ्रम को भ्रष्ट कर दूं जी, और इस घमंड को फ्लश कर दूं कि ना बाइबल ने कभी ट्रिनिटी के बारे में बात की है, न कभी इस अकीदे की एक्सप्लेनेशन वहां पर मौजूद है, न कभी पहली 3-3.5 सदियों के अंदर, अर्ली 3rd century या 4th early century तक इस अकीदे के बारे में कभी किसी को खबर ही नहीं हुई। 300 साल के ईसाई बगैर ट्रिनिटी के मरते रहे, किसी के कान पर जू तंग नहीं रिंगी, और ईसा अलैहि सलाम यानी यसु मसीह से, नॉट ईसा अलैहि सलाम, क्योंकि ये कहता है ईसा बिन मरियम और हैं, यसु मसीह और हैं, इसलिए ये यसु की कुत्ती है। यसु से पहले हजारों साल किसी एक किताब के अंदर ट्रिनिटी का आपको इशारा तक नहीं मिलता, कोई डिटेल, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट, कोई जस्टिफिकेशन, कोई ऑथेंटिकेशन, किसी किस्म की कोई चीज नहीं मिलती। तो मुसलमानों से गिला करता है कि मुसलमान जो है वो तसलीस को समझे ही नहीं, जबकि तुम्हारे यहां ट्रिनिटी का अकीदा है ही नहीं है। वो तो जाके बाद में तुम लोगों ने बिदत ईजाद किया है, कुफर ईजाद किया और शिर्क ईजाद किया है, जो खुद इस चीज के खिलाफ है। तो खैर, जब इस पर बात होगी तो किताबें खुलेंगी, अभी तो मैं इनके आर्ग्यूमेंट का जवाब दे रहा हूं और आखिर में एक बात करने लगा हूं। ये क्लिप सारा सुन लें आगे, क्योंकि लेक्चर मुझे उनके मास्टर साहब बार बार कह रहे हैं कि मेरा लेक्चर शुरू करवाया, मेरा टाइम कम है, तो उनका मैं लेक्चर शुरू करवाऊंगा, तो उस पर भी साथ साथ हम उनसे सवाल पूछते चलेंगे, तबसरा करते चलेंगे, मगर ये क्लिप मुकम्मल कर लें।
इसीलिए आज की स्ट्रीम स्पेशल रखी थी, स्पेशल गेस्ट के तौर पे मैथ्यू भाई को लेके आए थे कि भाई हर दूसरे दिन जो ट्रिनिटी का आरआर खोला होता है वो